नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रोफिपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज पुनः नए वीडियो के साथ हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। विषय है घर की किस दिशा में दीवार घड़ी को लगाएं। जाने वास्तु के खास नियम, क्योंकि वास्तु के अनुसार अगर दीवार घड़ी को आप अपने घर में लगाते हैं तो आपकी चमक जाएगी किस्मत। दर्शकों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और घंटी के निशान को टच करके ऑल ऑप्शन को टच कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। तो दर्शकों, हर किसी के घर में दीवार घड़ी जरूर होती है। वास्तु के अनुसार जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए घड़ी की दिशा और आकार का खास ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं घड़ी के वास्तु नियम क्या है। तो दर्शकों, वास्तु के अनुसार घर में रखी हर एक वस्तु के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन में प्रभावित होता है। हम सभी के जीवन में समय का बहुत महत्व है और हर किसी के घर में दीवार घड़ी जरूर होती है। वास्तु के अनुसार घर की सही दिशा में घड़ी लगाने से व्यक्ति का भाग्य साथ देता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं वास्तु की गलत दिशा में दीवार घड़ी लगाने से व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक घर की किस दिशा में दीवार घड़ी लगाना शुभ होता है। प्रिय दर्शकों, घर में दीवार घड़ी लगाने के वास्तु नियम। वास्तु के अनुसार घर के पूर्व दिशा में दीवार घड़ी लगाना सबसे उत्तम माना गया है। घर के दक्षिण दिशा में दीवार घड़ी लगाना अशुभ माना जाता है, इससे लाइफ में निगेटिविटी बढ़ती है। दर्शकों, मान्यता है कि दरवाजे के ऊपर भी घड़ी लगाने से बचना चाहिए। ध्यान दें, दरवाजे के ऊपर कभी भी दीवार घड़ी को न लगाएं, इससे जरूर बचें। वास्तु के मुताबिक बेडरूम में बेड के ठीक सामने घड़ी नहीं लगानी चाहिए। यदि बेड के सामने घड़ी हो तो बेड का प्रतिबिंब घड़ी पर नहीं पड़ना चाहिए, इससे बुरा असर पड़ता है। दर्शकों, ऐसी घड़ी का इस्तेमाल ना करें जिसका समय असल समय से पीछे चलता हो। हमेशा ध्यान दें, राइट टाइम घड़ी होनी चाहिए। हमेशा घड़ी का समय सही रखें या कुछ मिनट आगे भी रख सकते हैं। दर्शकों, इसके साथ ही घड़ी की साफ सफाई का भी खास ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि गंदी दीवार घड़ी के इस्तेमाल से घर में गृह क्लेश और लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बनती है। वास्तु के अनुसार घर में कभी भी बंद घड़ी का, इससे व्यक्ति को जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बंद घड़ी कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। दीवार घड़ी के शीशे टूटे हुए कभी भी नहीं होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार नीले, काले और केसरिया रंग की दीवार घड़ी का इस्तेमाल कभी भी भूल से नहीं करना चाहिए। ध्यान दें, घड़ी का आकार कैसा हो तो वास्तु के मुताबिक घर की दीवार पर लगी जो घड़ी की सही दिशा ही नहीं बल्कि आकार भी बहुत मायने रखता है। प्यारे दर्शकों, घर में पेंडुलम घड़ी का इस्तेमाल करना बेहद शुभ माना गया है। अगर आपके घर में भी गृह क्लेश की स्थिति रहती है तो 8 भुजाओं वाली दीवार घड़ी घर में लगा सकते हैं। इससे परिजनों के बीच मनमुटाव दूर होता है और घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है। मान्यता है कि घर में गोल आकार की घड़ी लगाना चाहिए, इससे धन का आवक बढ़ता है। दर्शकों, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और कार्य व्यापार में तरक्की मिलती है। प्यारे दर्शकों, आप घर में ओवल शेप की भी घड़ी लगा सकते हैं। मान्यता है कि इससे पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दर्शकों, अगर पति पत्नी के बीच रिश्तों में खटास बढ़ रही है तो शादीशुदा जोड़े को हार्ट शेप वाली घड़ी बेडरूम में लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। वास्तु के अनुसार घर में कभी भी तिकोने आकार की घड़ी नहीं लगाना चाहिए, इससे निगेटिविटी बढ़ती है। तो दर्शकों, हमने आज आपको बताया कि वास्तु के अनुसार घर की किस दिशा में दीवार घड़ी लगाना चाहिए, वास्तु के अनुसार और कैसे किस आकार का घड़ी आपको दीवार पर लगाना चाहिए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।